हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विथ कान्हा। मु कान्हा आपण मानको स्वागत करुचे मोर यूट्यूब चैनल को। ताजरे वीडियो रे हमें देखिबा किछि रिक्वायरमेंट वर्तमान ओडिसा सरकार के तरफ आसछि, जहाँ बहुत बढ़िया रिक्वायरमेंट रहिछि ओ डबल एससी तरफ गोटे वैकेंसी आसी, जो थे कि प्लस टू पास पाई सुवर्ण सुजोग रहिछि। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बेटर रही देखो, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रही 26/6/2023 ऑलरेडी आरंभ हो जाए दुई दिन है, एवं एंड अच्छी तरह 24/7/2023 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे। तो कौन कौन पोस्ट आसी वैकेंसी देखिए, तो मोड ऑफ एप्लीकेशन रही केवल ऑनलाइन odssc.gov.in मोड रे। फिजिकल हार्ड कॉपी आपको डिपोजिट करने पड़ोनि। तो पोस्ट कौन रही प्रथम देखो, ये जो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल रही पोस्ट, जो थे कि वेबिंग सुपरवाइजर रही तीन टा पोस्ट रही वेबिंग सुपरवाइजर, सॉइल कंजर्वेशन एक्सटेंशन रही वर्कर 245 पोस्ट सब अधिक अच्छे ये 245। ग्रुप सी पोस्ट रोचे सब गुड़ाक जोड़ा कि सैलरी वेबिंग सुपरवाइजर 35,000 आरंभ कर 35,400 आरंभ कर 112,400 पर्यंत रही सैलरी। ग्रुप 9 रोचे गुड़ा सॉइल कंजर्वेशन जो एक्सटेंशन रही वर्कर रही लेवल 5 रोचे जार सैलरी रही 21,700-69,100 पर्यंत। टेक्निकल असिस्टेंट प्रोविजनल रही 19 पोस्ट, ये भी ग्रुप सी पोस्ट लेवल रोचे 4 जोटा कि 19,900-63,200 पर्यंत रही सैलरी। आउ कौन वैकेंसी अच्छी देखो, अमीनर दुई प्रकार वैकेंसी अच्छी, गोटे वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट आउ गोटे अच्छे डायरेक्टोरेट ऑफ टाउन प्लानिंग। तो वाटर रिसोर्स 75 आउ टाउन प्लानिंग रही 12। ग्रुप सी पोस्ट दुटा जाक सैलरी रही दुटा जाक 18,000-56,900 रही। तो यहाँ क्वालिफिकेशन कौन दरकार अच्छी, कौन प्रोसेस अच्छी, सब डिटेल्स हम आलोचना करवा देखो, किभली आम प्रिपेरेसन से उपर आलोचना करवा कौन कौन रही। जिते बड़े भी आप्लाय कर वैलिड ईमेल आईडी और वैलिड मोबाइल नंबर सहित आप्लाय करने देखो कौन रही, कौ कैटेगरी के पोस्ट अच्छी देखो, जो वेबिंग सुपरवाइजर तीन टा रही जनरल दीटा दीटा रही गोटे रही एसटी ओमेन पोस्ट एसटी रही गोटे पोस्ट दुटा जो रही युआर पर से गोटे ओमेन भी रही ओमेन कैटेगरी भी अच्छी रिजर्वेशन रही सॉइल कंजर्वेशन जो 245 आम देखी 130 जनरल एसीबीसी 30 एसी 36 एसटी 39 टोटाल 245। टेक्निकल असिस्टेंट जो टोटाल 19 8 रही जनरल युआर पर 6 एसीबीसी 5 रही एससी एसटी ना। अमीनर वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट 75 वैकेंसी जो थोड़ा 44 रही कौन आम जनरल 7 एसीबीसी 9 रही एससी आ 15 रही एसटी। अमीनर टाउन प्लानिंग रही है 12 पोस्ट 7 रही युआर पर 2 एसीबीसी गोटे रही एससी 2 रही एसटी। तार क्वालिफिकेशन कौन रहा देखो, क्वालिफिकेशन कथा कहले कौन कौन कैटेगरी रही क्वालिफिकेशन, मोस्ट ऑफ पास मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विथ ओडिया एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट, ओडिया गोटे लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ी थे। मोस्ट ऑफ पास एचएससी एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ ओडिया मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट, सेमती क्वालिफिकेशन प्लस टू रही 10th रही देखो कौ थी कौ पोस्ट कौन रही। वेबिंग सुपरवाइजर जो रही डिप्लोमा इन हैंडलूम टेक्नोलॉजी टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी फ्रॉम IIST बा अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट रही थी। सॉइल कंजर्वेशन एक्सटेंशन वर्कर जो रही प्लस टू साइंस किंबा प्लस टू वोकेशनल कोर्स एग्रीकल्चर रिलेटेड सब्जेक्ट थी से सेम। टेक्निकल असिस्टेंट एचएससी और मैट्रिकुलेशन
ୱିଥ୍ PMH ଅର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ୱେଭିଂ ଆଉ ଡିଜାଇନ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଇନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିବ। ନେକ୍ସଟ ଅମିନ ଦୁଇଟା ଯାକ ରହିଛି, ଅମିନ ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ରିସୋର୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କାଉନସିଲ୍ ପାଇଁ ପାସ୍ କରିଥିବେ, ଆଉ ବେସିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ଥିବ, ସ୍ପେଶାଲି ଅଛି ବେସିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଅମିନ ଅଣ୍ଡର ଦ ଡିରେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଅଫ୍ ଟାଉନ୍ ପ୍ଲାନିଂ, ଏଥିରେ HSC ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବ, ମାନେ ଦଶମ ପାସ୍ କରିଥିବେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବ। ତ ଏତିକି ରହିଛି ଆର ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। ଆମେ ଦେଖିଲେ ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜ୍, ଯଦି ଏଜ୍ କଥା ଦେଖିବା ୱେବିଂ ସୁପରଭାଇଜର ପାଇଁ ରହିଛି 1/1/2023 ସୁଦ୍ଧା 21-38 ଭିତରେ ହେଇଥିବ, ମିନିମମ 21 ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 38। ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଅଛି ଅଲଗା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ବି ଅଛି। ସଏଲ୍ କନଜର୍ଭେସନ୍ 21-38। ଟେକ୍ନିକାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ରହିଛି 20-38। ଅମିନ 21-38। ଅମିନ ଅଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଡିରେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଅଫ୍ ଟାଉନ୍ ପ୍ଲାନିଂ 21-38। ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁଗୁଡ଼ାକ 1/1/2023 ସୁଦ୍ଧା କାଉଣ୍ଟ କରାଯିବ, ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ ରିଲାକ୍ସେବୁଲ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ସିଏ ବି ହେଇପାରିବ। ତ ଏହାର ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ରହିଛି, କେମିତି କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଟର୍ନ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଷ୍ଟେଜ୍ ୱାନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରଥମେ ରହିବ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ୍, ଯାହାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବା, ଫ୍ରିରେ କରିବା। ତ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, କାହିଁକିନା ଏଇଠି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ଏରିଥମେଟିକ୍ ଅଛି 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାକୁ ଆମେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ସାରିବା। ଡାଟା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଚାର୍ଟ ଗ୍ରାଫ ଟେବୁଲ ଡାଟା ସଫିସ୍, ଏଇଠି ଯେଉଁ 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼। ଲଜିକାଲ ରିଜୋନିଂ ଆସିବ, କରେଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ ବେସିକ୍, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ପ୍ରିଲିମ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, 150 ମାର୍କ ରହିବ, ଆଉ ନେଗେଟିଭ ମାର୍କ ରହିବ ପର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 0.25। ଆଉ ଯେମିତିକି ଆଗରୁ ନଉଥିଲା 5 times, ଯେତିକି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ତା'ର 5 times କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିକି ନେବ, ଠିକ୍ ଅଛି 5 times ହିଁ ନେବ। ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ତାପରେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଟୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମେନ୍ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ଟେକ୍ନିକାଲ ପେପର ଦେଶ ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ, ଟେକ୍ନିକାଲ ପେପର ଫର୍ ଯାହାର ଯାହା ଅଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ, ଇଏ 200 ମାର୍କ ରହିବ। ସେମିତି ଷ୍ଟେଜ୍ 3 ରହିବ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍, ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ସିଲାବସ୍ ଦେଖି ନେଇପାରିବା ଯାହା ଅଛି। ତା ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ଅଛି ଏରିଥମେଟିକ୍ର ରିଜୋନିଂର ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଅପଡ଼େଟ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।